और सबसे पहले आप लोग मेरे को बता दो कि वॉइस क्लियर है कि नहीं, वॉइस बराबर आ रही है कि नहीं, एकदम मैं खुद भी चेक करता हूँ। और मैं शेयर भी कर देता हूँ ग्रुप में, फिर करते हैं स्टार्ट। पहले आप लोग सही है वॉइस, अगर मैं शेयर कर दे रहा हूँ, करते हैं स्टार्ट। हाँ करते हैं, आ जा सब पे, ठीक करते हैं स्टार्ट आज। ठीक तो नमस्कार, कैसे हो सब? आई होप सब कोई बढ़िया होगा। तो सबसे पहले कल के लिए ये वो कि कल जो वॉइस की प्रॉब्लम आ गई थी, मैं भी ध्यान नहीं दिया था। तो आज करेंगे पूरा नवंबर का करंट अफेयर, एमसीक्यू फॉर्म में भी करेंगे हम, क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी देखेंगे, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। तो मेरा नाम है सूरज गुप्ता और आपका स्वागत है WNA पे। ठीक, तो देखते हैं सबसे पहले पहला न्यूज अपना क्या है। सबसे पहला न्यूज है अपना, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मैं भी देखते रहता हूँ, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट पहला क्या है? स्टेटमेंट वन है कि केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट टू बी हॉल मेकिंग इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। क्या ये स्टेटमेंट राइट है? केरला इनोग्रेट हिज फर्स्ट हॉल मेकिंग सेंटर इन लुधिक डिस्ट्रिक्ट एंड ग्वालियर बिकम द सिटी ऑफ म्यूजियम। तो मैं बता दूं तो तीनों, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड और केरला के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो पहला स्टेट बना है, मैक्सिमम पर ज्यादा फर्स्ट रहता है ना, तो ज्यादा करके केरला ही रहता है। ठीक, केरला ई गवर्नेंस, पूरी तरह से ई गवर्नेंस हो गया है, गवर्नेंस। ठीक, और केरला के बारे में, सिटी ऑफ म्यूजियम एंड एक और सिटी ऑफ लिटरेचर भी एक सिटी बनने है, वो भी केरला की है। आप नीचे देखेंगे वो कौन सी सिटी है। एंड आप, मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु, तमिलनाडु सॉरी तमिलनाडु होस्ट कर रहा है स्ट्रीट 20। एंड हैदराबाद, फर्स्ट इंडिया फर्स्ट सोलर रूफ साइकिल ट्रैक कहाँ पे है? ये है हैदराबाद। ठीक, और देखते हैं आगे क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या इंडिया सबमिट किया है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू फ्रांस? किसलिए किया है? क्या 26 राइफल जो मंगाने हैं नेवल फाइटर जेट के लिए, क्या उसके लिए किया है? ये दोनों राइट है। ठीक, तो मोर देन वन, क्योंकि बोथ है, यहाँ पे बोथ ऑप्शन रहता तो बोथ होता। ठीक, इसका मतलब वही हुआ क्या। और इंडिया रिसेंटली SCO 2023 कौन होस्ट किया था? वो इंडिया होस्ट किया था। ठीक, ये अप्रॉक्स जनवरी फेब मार्च का न्यूज है। ठीक, तो ये हमारे सीडियस 2024 के हिसाब से नहीं, लेकिन जो IB के एग्जाम दे रहे हैं ना इस बार, उन लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जा रही है। ठीक, तो उसके लिए IB के एग्जाम में करंट अफेयर आएगा आज। आज मैं खुद TRQ देख रहा था, तो ठीक था। तो जनवरी तक आएगा, पूरे एक साल का करंट अफेयर आएगा, 1 ईयर करंट अफेयर।
और देखते हैं आगे। इंडिया डीप ओशियन मिशन, अनलॉकिंग द डेप्थ ऑफ ओशियन। सबसे पहले आपसे इसमें पूछ लगा कि इतना मीटर नीचे गया, तो ये 6,000 मीटर नीचे गया है। ठीक, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आ रहा है। बस इतना ही इनफ है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। कौन सा मिशन था, यहाँ पे देख सकते हो, सूर्यदान मत्यास 600। ठीक, एंड नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपको मैं बता दूं तो यूएस मिलिट्री हैज सेट इट्स लेटेस्ट मिनुतेमन 3 मिसाइल लॉन्च किया है फॉर सो कॉल्ड न्यूक्लियर पावर। ठीक, एंड स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिसेंटली मिनुतेमन 3 कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है। क्या ये मिनुतेमन 1 1960 में लॉन्च हुआ था। ठीक, और ऑप्शन में दे देगा यूएसए है, यूके है, इंडिया है एंड फ्रांस है। ठीक, इसका आंसर यूएसए होगा। एंड यूएसए के साथ हम लोग कौन से एक्सरसाइज करते हैं, इंडिया एंड यूएसए के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है, वो होती है युद्ध अभ्यास। ठीक, युद्ध अभ्यास। इजिप्ट के साथ हम लोग कौन से रिसेंटली किए थे, कौन से एक्सरसाइज वो किए थे, राइट स्टार, स्टार 2023। इसमें कौन सी आईएनएस पार्टिसिपेट की थी, आईएनएस सुमेधा। ठीक, इसमें आईएनएस सुमेधा पार्टिसिपेट की थी। आईएनएस सुमेधा एक जगह और पार्टिसिपेट की थी, गल्फ ऑफ गुयाना में, गल्फ ऑफ गुयाना, गुयाना। ठीक, एंड ये हो गया। एक मिलिट्री एक्सरसाइज है ऑल अल मोहेद अल हिंदी, वो कौन सी कंट्री के साथ करते हैं, कोशिश करते हैं हम लोग सऊदी अरेबिया के साथ। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, सूरत बिकम द फर्स्ट नेवी वॉरशिप टू बी नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ गुजरात। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कौन से कलर, आई थिंक प्रोजेक्ट बी क्लास की है, 15B की, 15B। इसमें हम क्या बनाते हैं, डिस्ट्रॉयर बनाते हैं। ओके, इसमें क्या बनाते हैं, डिस्ट्रॉयर बनाते हैं। इसको कौन सा क्लास बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग विशाखापट्टनम, पट्टनम क्लास। कोलकाता क्लास किसको बोलते हैं, कोलकाता क्लास। इसे हम बोलते हैं प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट 15A को। ठीक, एक्चुअली जो पहली आईएनएस होती है ना, उसी के नाम पे रखा जाता है। ठीक, और जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है तो ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ पे मैं पीडीएफ भेज दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ एडिशन ऑफ बैंगो सागर 23 एंड फिफ्थ एडिशन ऑफ कारपेट कहाँ पे हेल्ड हो रहा है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, विशाखापट्टनम में रहा है, और किसके किसके बीच होता है, ये होता है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच। और विशाखापट्टनम से आपको मैं बता दूं तो विशाखापट्टनम स्टेशन जो है वो उसे ग्रीन सर्टिफिकेट मिला है, विशाखापट्टनम स्टेशन को ग्रीन सर्टिफिकेट मिला है। ठीक, और फोर्थ एडिशन याद रखना, क्योंकि एडिशन से भी अभी डायरेक्ट कुछ योगा डे कब मनाते हैं, योगा, योगा डे ये मनाते हैं 21 जून। हिंदी दिवस कब मनाते हैं, हिंदी दिवस ये मनाते हैं 14 सितंबर को। टेक्नोलॉजी डे कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 11 मई को। इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 5 जून को। बाकी डेज आगे देखेंगे।
अभी देखते हैं इसमें कौन कौन से आईएनएस पार्टिसिपेट की थी, आईएसएस कुर्ता किल्तन, इस दोनों याद रखना कि कौन ये पार्टिसिपेट की थी और कहाँ पे हुआ था। विशाखापट्टनम में हुआ था, बेंगोल सागर किसके बीच में होता है, इंडिया एंड बांग्लादेश के में होता है। एक आया था साइक्लोन, साइक्लोन पिपर जो है, पिपर जो है कहाँ पे आया था, ये बांग्लादेश में इंडिया में आया था। ठीक, इसका नामकरण कौन किया था, ये किया था अपना बांग्लादेश। साइक्लोन कैसे बनता है, इधर लो प्रेशर होता है, इधर हाई प्रेशर, इधर हाई प्रेशर, इधर हाई प्रेशर, चारों तरफ हाई प्रेशर बनाता है। तो आपको याद होगा तो कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है कुछ भी, ठीक, ऐसे ऐसे जाते जाते फिर यहाँ पे साइक्लोन इस हिसाब से बन जाता है। ठीक, ऐसे ऐसे हम जियोग्राफी में देखेंगे। ठीक, फिर और देखते हैं, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्या 10th आसियान मीटिंग हेल्ड हुआ था जकार्ता में, जकार्ता जापान में। तो मैं सबसे पहले बता दूं, ये जकार्ता जापान में नहीं है, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में। ठीक, तो पहला ऑप्शन तो गया, तो दूसरा देखते हैं। ओनली डिफेंस मिनिस्टर वॉज नॉट, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर वॉज नॉट पार्ट, ये भी गलत है, दूसरा भी गलत। ठीक, एक मिनट, दो ही स्टेटमेंट गलत हो गया ना अपना। एंड क्या है? इंडिया यूएई रशिया एक्सप्लोर कर रहे हैं प्रोडक्शन SC-50 5th जनरेशन, ये राइट है। तो आपने क्या पूछा है, कर इनकरेक्ट पूछा है, तो मोर देन वन। ठीक, तो दो स्टेटमेंट गलत है अपना। और इंडोनेशिया ऐसा कंट्री है ना, यहाँ पे लगभग 17,500 के आसपास आइलैंड्स है। सबसे ज्यादा आइलैंड कहाँ पे है, मैक्सिमम आइलैंड कहाँ पे है, वो है कनाडा में। ठीक, इसकी कैपिटल क्या है, जकार्ता है। जकार्ता भी श्रिंक हो रही है, डूब रही है धीरे धीरे। तो नूर संताना नया सिटी बन रहा है नया कैपिटल के लिए इंडोनेशिया के लिए। ठीक, और क्या इंडोनेशिया से याद आ रहा है, यहाँ की एक फ्लावर फ्लावर है रेड फ्लेक्स करके, रेड फ्लेक्स करके, जिसकी वजन 8 kg है। स्ट्रेट ऑफ मलाइका, स्ट्रेट स्ट्रेट ऑफ मलाइका यहीं पे है, ये इंडोनेशिया, ये आता है इंडोनेशिया, है ना, मलेशिया को सेपरेट करता है। ठीक, और नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी पेयर इज करेक्ट, हाउ मेनी पेयर इज करेक्ट। तो सबसे पहले कि युद्ध अभ्यास किसके साथ होता है, अभी ऊपर बताया इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। अस्त्रेंद्र किसके साथ होता है, इंडियन ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, करेक्ट है। मित्र शक्ति इंडियन श्रीलंका के साथ होता है क्या, अल मुहैदा लिंदी, ये भी ऊपर बताया, ये भी ऊपर बताया, वापिस रिविजन हो गया हमारा। ठीक, तो एक्चुअल में चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर आप मेरे को ये बता दो, मित्र शक्ति हो गया, ऐसा ये हो गया, अभ्यास हो गया, ब्राइट स्टार किसके साथ होता है, इंडिया एंड इजिप्ट के साथ होता है, कजिन करके एक्सरसाइज हुआ काजिस्तान में, तो किसके किसके बीच होता है, वो होता है इंडिया एंड किर्गिस्तान, रेगिस्तान में होता है। ठीक, सूर्य किरण किसके साथ हम लोग पढ़ते हैं, सूर्य किरण ये होता है इंडिया एंड नेपाल के साथ। एक साइक्लोन आया था, साइक्लोन मोचा ओका, इसका नामकरण कौन किया था, नेम इवन भाई एंड भाई यमेन। ठीक, यमेन टर्की किसको याद आ रहा है, टर्की, पहले इसका नाम तुर्की था, चेंज कर दिया गया था। हम लोग ऑपरेशन दोस्त किसके साथ किए थे, ऑपरेशन दोस्त जब यहाँ पे अर्थक्वेक आया था तो इसके साथ किए थे, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी किसके साथ किए थे, ये किए थे हम लोग सूडान के साथ। ठीक,
ऑपरेशन किस अवेरी किसके साथ कर रहे थे? सूडान के साथ। ऑपरेशन जिंदगी किसके साथ किए? किसी के साथ किए नहीं, रेस्क्यू करने के लिए अभी लॉन्च किए थे। 25 के आसपास लोग फंसे थे टनल में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जब इन लोग टनल से निकले तो सबसे पहले चीज पूछते कि क्या इंडिया वर्ल्ड कप जीती कि नहीं। ठीक, वर्ल्ड कप के मैं क्या बात करें। एंड ऑपरेशन दोस्त किसके साथ किए? ऑपरेशन दोस्त हो गया, ऑपरेशन अजय जय, या भी रिसेंटली के इजराइल के साथ, इजराइल इजराइल के साथ। ठीक, आगे देखते हैं। इंडियन नेवी ने लॉन्च किया फोर्थ एंटी सबमरीन एमनी, ये प्रोजेक्ट 75 की पार्ट है। प्रोजेक्ट 25 की पार्ट है, ठीक, उसमें है एमनी। ठीक, तो आपको सीधे पूछ लेगा एमनी क्या है। आईएनएस है, एंटी सबमरीन है, ये क्या है? तो एमनी क्या है? एक एंटी सबमरीन है, बस इतना ही रहेगा। कोई आईएनएस, आईएनएस सुमेधा कहाँ पे पार्टिसिपेट की थी? सुमेधा ये तो अभी गल्फ ऑफ गुयाना में हो गया, गल्फ ऑफ गुयाना में हो गया, ब्राइट स्टार में पार्टिसिपेट की थी। आईएनएस किल्टन, आईएनएस किल्टन किस में पार्टिसिपेट की थी? अभी ऊपर पढ़ जा रहे हैं, देखो कमेंट सेक्शन में बताना। फौजी काढ़े एंड ग्वालियर को दोनों एक यूनिक सिटी बनाया गया, जैसे इसको ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक बनाया गया, म्यूजिक, एंड इसको बनाया गया है सिटी ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर। ओके, यूनेस्को, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? या चलो यूनेस्को 42nd यूनेस्को, यू हेरिटेज साइट कहाँ पे है? सबसे पहले बता दो, ये तो है हमारे कर्नाटका में, कर्नाटका में। एंड कौन किसको मिला है? होयसाला टेम्पल को, टेम्पल। तो 44th यूनेस्को हेरिटेज साइट को, हेरिटेज साइट ये कहाँ पे है? कोलकाता में। किसको मिला? शांति निकेतन को मिला, स्पेलिंग देख लेना। ठीक, ये वंडर कौन सा बना है? आप लोग मेरे को बताओ, या ये नवंबर का न्यूज है, इसमें पढ़ेंगे वंडर। ठीक, अक्षरधाम करके एक मंदिर बन रहा है, टेम्पल बन रहा है आउटसाइड ऑफ इंडिया, वो कहाँ पर बन रहा है? ओवर है न्यू जर्सी, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क यूएसए में, न्यू यॉर्क यूएसए में। ठीक, यूके के साथ हम लोग कौन सा एक्सरसाइज करते हैं? एक्सरसाइज जे, जे करके, हाँ एक्सरसाइज अजय, इंडिया इंडिया एंड यूके के साथ करते हैं। यूएसए के साथ अभी हम लोग एक्सरसाइज किए तो क्या था? ये था युद्ध अभ्यास। ठीक, अभी ये देखते हैं, वेयर इज पीएम मोदी इनोग्रेट वर्ल्ड फूड डे 2023? क्या पार्लियामेंट न्यू दिल्ली में किया गया है, या फिर प्रगति मैदान न्यू दिल्ली, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश? इसका करेक्ट आंसर है प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। यशो भूमि कहाँ बन रहा है? यशो भूमि कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है हमारे न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ठीक, COP28 कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है यूएई में। यूएई से क्या याद आता है? आई आई टी दिल्ली जो है,
वो कहाँ पे अपना फर्स्ट कैंपस खोले थे? वो यहीं पे खोले थे यूएई में, आईआईटी मद्रास। मद्रास कहाँ पे अपना फर्स्ट कैंपस खोले थे? आउटसाइड ऑफ इंडिया, ये खोले थे तंजानिया में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अभी ऊपर पढ़ गया, केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट विथ हॉल मेकिंग सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। कितने डिस्ट्रिक्ट में खोलेगा? 14 डिस्ट्रिक्ट में खोलेगा। इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है, ठीक, इंडिया का फर्स्ट स्टेट यूसीसी को भी अडॉप्ट किया है। कौन सी वो स्टेट है यूसीसी अडॉप्ट? यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर आर्टिकल 44, ठीक, ये बना है उत्तराखंड। उत्तराखंड, ठीक, देवभूमि उत्तराखंड, ये देखो आ ही गया। फर्स्ट स्टेट बना है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अडॉप्ट किया है, उत्तराखंड बना है। ठीक, बस आप खुद से इतना ही पूछेगा। तेलंगाना अनवील किया वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल। आपने ये सुना होगा 3D प्रिंटेड प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बना है? वो बना बेंगलोरी में। ठीक, ऐसे ही बना है वर्ल्ड वर्ल्ड दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल कहाँ पे? तेलंगाना में। तेलंगाना में अभी इससे ज्यादा क्या ये वो करेगा, लोकेशन पे फोकस करेगा। ठीक, सुरदीपी डिस्ट्रिक्ट में बना है, ये तो कैसे दिखेगा। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं। मेघालय ने लॉन्च किया वाटर वाटर स्मार्ट किड चैंपियन। सीधे पूछ लेगा विच, सीधे पूछ लेगा विच विच स्टेट लॉन्च रिसेंटली लॉन्च वाटर फॉर ओमेन एंड ओमेन फॉर वाटर। ठीक, वी नेक्स्ट देखते हैं। एनटीपीसी रिन्यूअल कर रहा है लिमिटेड फर्स्ट 50 मेगावाट का डिस्पेयर वाइंडर प्रोजेक्ट। कहाँ पे कर रहा है? कच्छ गुजरात में कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है? कच्छ गुजरात में कर रहा है। अभी गुजरात से क्या आ रहा है? सूरत। सूरत क्या डिस्ट्रॉयर है? INS एक डिस्ट्रॉयर है यानी सूरत। प्रोजेक्ट 75B में आ रहा है। ओके, एंड यूपीआई का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? अने पंकज त्रिपाठी, मिर्जापुर वाले। ठीक, और रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 ने अपॉइंट किया था नेशनल आइकॉन ऑफ द इलेक्शन। इसको इसको कहते थे राजकुमार राजकुमार राव, नहीं हाँ राजकुमार राव, कुमार राव, हाँ वही। ठीक, और इस बार का बुकर प्राइज कौन जीता है? बुकर प्राइज 2023 कौन जीता है? ये जीते हैं हमारे पाउल PULL पाउल लाइच LYCH पाउल लाइच जीते हैं। एंड एक मिनट, नेक्स्ट 2022 में कौन जीते थे? ये CDS में भी आया था, CDS के एग्जाम में भी आया था। एक देखते हैं, विवान तलस विकास ने जीता है, बेंगलोर का लड़का, वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। इंपॉर्टेंट नहीं है, या तो सीधे नाम दे देगा और पूछ लेगा मैच ऑफ द कॉलम में। ठीक, ये देख, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सोशल वर्कर दीनानाथ राजपूत फ्रॉम बस्तर विन रोहिणी नायर प्राइज, क्या करेक्ट है? राइटर टी पद्मनाभम रिसीव प्रेस्टिजियस केरला ज्योति अवार्ड। क्या RBI जीता है चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड? विवान, ये ऊपर जो देखे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड कौन जीता है? विवान बिहान जीते हैं। ठीक, तो करेक्ट पूछा है ना, ऑल ऑफ द अबव आंसर इज करेक्ट। ठीक, नोबेल प्राइज अभी जीते थे, नोबेल प्राइज आता, नोबेल पीस प्राइज कौन जीता?
प्राइस प्राइस हाँ, ये थी नरगिस मोहम्मदी। कौन थी? नरगिस मोहम्मदी। मोहम्मदी ठीक, ये जेल में थी जब इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। AIFF विन AFC प्रेसिडेंट रिकॉग्नाइजेशन ब्रॉन्ज अवार्ड फॉर रेस्टर फुटबॉल इसलिए 2014 में जो हॉट्स की थे ऑल इंडिया फेडरेशन ने सिक्योर किया सेकेंड ग्रह। फॉर दिस नॉट मोर इम्पोर्टेंट यार, ये इम्पोर्टेंट है 2034 का फीफा वर्ल्ड कप कौन हॉस्ट कर रहा है? फीफा वर्ल्ड कप कौन हॉस्ट कर रहा है? ये हॉस्ट कर रहा है सऊदी अरेबिया। कौन हॉस्ट कर रहा है? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के साथ हम लोग एक्सरसाइज करते हैं अल मोहेद अल हिंदी। कौन से एक्सरसाइज करते हैं? अल मोहेद अल हिंदी। करोड़ा किसके साथ करते हैं? वो जापान के साथ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कलाकार पुरस्कार अवार्ड किसको मिला है? अपोलन डी सोजा को, अपोलिनियर डी सोजा। सिंपल सीधे पूछ लेगा कि कलकार पुरस्कार अवार्ड किसको मिला है? कलकार पुरस्कार अवार्ड किसको मिला है? अपना कौन सा एडिशन था? 19 एडिशन था। कहाँ पे सेरेमनी हुआ था? ये मंगलुरु में से हुआ था। अब मेरे को बताओ बेस्ट एक्टर का अवार्ड इस बार किसको मिला है? इसमें 69 नेशनल नेशनल फिल्म फेस्टिवल में, फिल्म फेस्टिवल में ये मिला है अपने स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का किसको मिला है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है पंकज त्रिपाठी जी को। किसको? पंकज त्रिपाठी जी को। ये क्या अभी रिसेंटली किस चीज का ब्रांड एम्बेसडर बने? ये यूपीआई का ब्रांड रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बने। ठीक, देख सकते हैं। जर्मनी अवार्ड किसको मिला है? फालुका साहब को मिला है। किस लिए मेडलिस्ट नॉमिनेट किया गया था? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मर को। ठीक, इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसको मिला? इधर नाम होगा जॉर्ज रॉय के जॉर्ज, इनको मिला है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। किस लिए मिला है? कोविड-19 और चलो एक R21 मैट्रिक्स करके वैक्सीन है, ये किस चीज के लिए है? ये मलेरिया के लिए, मलेरिया के लिए। रिसेंटली WHO ने इसको अप्रूव किया। अरे इसको जो बनाए थे उनको मेडिकल में ना अवार्ड भी मिला, मेडिसिन में। वो थे कैटलिन और एक जन और थे, कैटलिन करके और एक और दो जन को मिला था। ठीक, जेसीबी प्राइज किसको मिला है? फॉर इंग्लिश ट्रांसलेटर को, परुमल मुरुगन। अवार्ड से क्वेश्चन आ जाता है, ये इनकी नोबेल थी, ये वाली नोबेल याद रख लेना। क्या था? अलंदा पंचन थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे जब भी कुछ आता है ना तो क्वेश्चन पूछा। इनकी पूरी करके एक बुक थी वो आया था तो शायद कैट में पूछा था। सलमान रुशदी, इनको फर्स्ट लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है। कौन सी बुक के लिए मिला है? एक उनकी बुक थी पूरी, वो हुआ दो तीन और उनकी बुक देख लेना। लता मंगेशकर अवार्ड किसको मिला है? मुंबई महाराष्ट्र के मिला है सुरेश वर्मा को, बस उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो लाता हाँ, तो 22 जनवरी को अयोध्या टेम्पल का उद्घाटन होने वाला है, उसमें भजन किसका बजेगा? लता मंगेशकर जी का। ठीक, ये बहुत इम्पोर्टेंट, 96th ऑस्कर कौन होस्ट कर रहा है? जिमी किलेम टू होस्ट अकेडमी अवार्ड द फोर्थ टाइम। कौन अवार्ड किसको 96 अकेडमी अवार्ड मिला है इसको होस्ट करने को? होस्ट जैमी के लो अवार्ड डिटेल 2024 में होस्ट हो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिज बांग्लादेश काउंटर पार्ट शेख हसीना ज्वाइंटली इनोग्रेट इंडिया असिस्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट।
इनर चाइना से मिलकर ना 82 किलोमीटर, पद्मा ब्रिज, पद्मा ब्रिज का एमओयू साइन किया है। आयरलैंड ने अनाउंस किया वीजा फ्री एंट्री फॉर इंडियन सिटीजन टू बूस्ट टूरिज्म, बस इतना इम्पोर्टेंट। थाईलैंड देख लेना, थाईलैंड की लोकेशन, बैंकॉक इसका कैपिटल है, थाईलैंड लाओस के साथ क्या शेयर करता है अपना बॉर्डर, कंबोडिया के साथ शेयर करता है, इधर अंडमान सी के से भी टच होता है, म्यांमार के साथ भी टच करता है, मलेशिया के साथ भी शेयर करता है, इधर आप गल्फ ऑफ थाईलैंड, इधर आप साउथ चाइना सी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, यूएनएससी अडॉप्ट किया रिजोल्यूशन टू रिन्यू मैंडेट ऑफ यूएन असिस्टेंस मिशन इन सोमालिया ऑफ द ईयर। यूएन असिस्टेंस, यूनाइटेड नेशन असिस्टेंस मिशन ऑफ इन सोमालिया था अक्टूबर 2024 में होने वाला। ठीक, यूएनएससी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है देखो बताओ। बांग्लादेश, बांग्लादेश श्यामा वाजिद बिन इलेक्शन टू बिकम साउथ ईस्ट एशिया रीजनल डायरेक्टर WHO इन न्यू दिल्ली। नॉट मोर इम्पोर्टेंट, बस न्यूज में था तो पढ़ना पड़ा। बांग्लादेश के साथ कौन कौन, बांग्लादेश के साथ इंडिया स्टेट कौन कौन सी, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर स्टैटिक्स में कुछ पूछेगा बांग्लादेश के साथ ना, तो ये पूछ लेगा बांग्लादेश के साथ कौन सी इंडियन स्टेट है जो अपना बॉर्डर शेयर करती है, तो हो जाएगा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल है, इधर से आसाम है, इधर से मेघालय है, इधर से भी आसाम शेयर करता है, इधर से त्रिपुरा शेयर करता है, इधर से मिजोरम शेयर करता है, बस इतना इम्पोर्टेंट। इतना 3, 4, 5 स्टेट है। सऊदी अरेबिया होस्ट कर रहा है 2034 का फीफा वर्ल्ड कप, अभी ऊपर पड़ गया है, हम इतनी बार कर। अभी नेक्स्ट क्लास रहेगा एमसीक्यू पे, 100 MCQ करेंगे, उसमें भी यही क्वेश्चन मिलेगा, रिवीजन उसमें रहेगा ना, हमारा 100 में रहेगा कौन कौन सा, सितंबर का, अक्टूबर का और नवंबर का, सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर का तीनों का करंट अफेयर रहेगा। ठीक, प्लस स्टैटिक पार्ट पार्ट भी रहेगा, देख सकते हैं उस। और अपडेट हमेशा के लिए ये ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, यहीं पे पीडीएफ भेजूंगा। मैगजीन अपने नवंबर का मैगजीन देखा कि नहीं, नवंबर का मैगजीन, ठीक रहा नवंबर का मैगजीन, मैंने टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया, इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे देखेंगे। डिफेंस न्यूज, नेशनल डिफेंस न्यूज, नेशनल न्यूज एंड इंटरनेशनल न्यूज, स्पोर्ट, अवार्ड, बुक्स, अपॉइंटमेंट, इम्पोर्टेंट डेज क्या होता है, डेज क्या होता है, रैंक एंड रिपोर्ट्स एंड समिट्स, इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक, एंड मिसलेनियस, इसमें हम लोग ये भी देखेंगे। इधर द हिंदू का इम्पोर्टेंट न्यूज देखेंगे, वर्ड ऑफ द डे देखेंगे, ऑबिचुरीज देखेंगे, देखो इधर है सब, माई AI पावर रोबोट जो CEO बनी है, देश है पंकज त्रिपाठी, अपॉइंटमेंट से कर्नल सुनीता BS अपॉइंट हुई फर्स्ट महिला कमांडिंग ऑफिसर इन आर्म फोर्स न्यू दिल्ली कंटोनमेंट की, इम्पोर्टेंट डेज हो गया। नेशनल कैंसर डे कब मनाया जाता है, मनाया 7 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, थीम क्या है, क्लोज द केयर ऑफ एंड क्रिएटिंग पेंटिंग ऑफ द सेफ्टी, किसका थीम है, ये है रेडियोग्राफी का। वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाता है, 13 नवंबर को मनाया जाता है। थीम क्या है, बी काइंड वेयर बी एवर पॉसिबल। वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। थीम क्या है देख लो, ठीक, वर्ल्ड फिशियोग्राफी डे को मनाया जाता है, 16 नवंबर को मनाया जाता है। इपिलिसी डे को मनाया जाता है, 17 नवंबर को मनाया जाता है। प्रेस डे को मनाया जाता है, 16 नवंबर को मनाया जाता है। इसमें आपको सब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डेज मिल जाएंगे, रैंक इंडेक्स हो गया, बाकी उधर करेंगे ही करेंगे,
रिवीजन के लिए भी हो जाएगा। 42nd इंटरनेशनल ट्रेड कहाँ पे मनाया गया, दिल्ली मनाया गया। इस्लामिक अरेबी सऊदी अरेबिया में हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट किया WPTM में लंदन में, ठीक। अरे देख लेंगे जॉब का, ये देख रहे हो गवर्नमेंट स्कीम हो गया। मेरा युवा भारत बहुत इम्पोर्टेंट इस बार के लिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक। जल दिवाली हो गया, वाटर फॉर वुमेन, वुमेन फॉर वाटर कैंपेन लॉन्च कौन किया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया, किसके अंडर हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर आया है, ठीक। यहाँ पे सब देख सकता है। तो दीक्षा स्कीम के अंदर ये हुआ था, तो दीक्षा स्कीम क्या होता है वो देख लिए, कब लॉन्च हुआ था कब वो देख लिए, कब से कब रहेगा वो देख लिए, ठीक। स्टैटिक अभी गवर्नमेंट हेलो नारियल कौन सी कौन लॉन्च किया है, डीबी में सीडी का फूल कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक। ऐसे देखा गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस पीएम किसान भाई, ये तो ऐसे समझ में आ जा रहा है कि कौन सी एग्रीकल्चर है हो जाएगा। ओडिशा ने लॉन्च किया है एमबेक बैंक फॉर दी ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक। ये देखो कौन कौन अभी डेथ, रिसेंटली किन का किनका डेथ हुआ है, फर्स्ट फर्स्ट इंडिया फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज फातिमा बीबी पास हुए किन 96 एज में, एक फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज है ना कि सीजीआई है। सीजीआई आज तक कोई भी फीमेल सीजीआई नहीं बनी है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक। हो जाएगा जो इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक, वो न्यूज हो जाएगा। यहाँ पे देख लेंगे, देखो मालदीव रिक्वेस्ट इंडिया, ये एक कैसे इम्पोर्टेंट है, इंडिया एंड मालदीव का रिलेशन पूछ लिया जाए या फिर लेक्चरेट दे दिया जाए तो उसके हिसाब से इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। वर्ड ऑफ द डे यहाँ पे पूरा देखेंगे इंग्लिश के लिए, ये सब ठीक। ये सब जितना वर्ड ऑफ द डे रहता है वो हो जाएगा द हिंदू का। आखिर मिसलेनियस में जो बच्चा रहेगा, ये शीतल महाजन जिन्होंने फर्स्ट वुमेन बनी स्काई ड्राइविंग का, माउंट एवरेस्ट से कूदी थी। एंकोर वेट बिकम द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, एंकोर वेट, ठीक। ए क्लास बोलो, 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे एनडीए सीडीएस एंड पीएफएफ आईबी के लिए भी करेंगे, इसमें कौन कौन सा रहेगा, सितंबर का रहेगा, अक्टूबर का रहेगा, नवंबर का रहेगा, ठीक। भी देखते हैं अपने साथ, ये तो बहुत टाइम हो। लियो मेसी ने जीते हैं अल बाल ऑर्डर विनर, बस इतना पूछेगा ऑल बालर डी और का विनर कौन है, लियो मेसी है। लियो मेसी फीफा वर्ल्ड कप में भी क्या मचाए थे, आईसीसी हॉल ऑफ फ्रेम कौन बनाए, ये बने हैं तेरा अब्दुल जी डी सलेबा, सहवाग वीरेंद्र सहवाग सर बने हैं, श्रीलंका 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 स्टार अविंदर डी सिलेवा इन टू द आईसी फ्रेमवर्क। क्या कभी सचिन सचिन तेंदुलकर सर तेंदुलकर क्या आईसीसी के फ्रेम हॉल कभी बने हैं, आईसीसी हॉल ऑफ फ्रेम देखो बताना। महाराष्ट्र क्विंस राजा भालीरंधर ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1994 से पहली बार मिला है नेशनल गेम, 2023 के नेशनल गेम में टॉप किया है महाराष्ट्र ने। 2023 के नेशनल गेम कहाँ पे हो रहा था, ये गोवा में हो रहा था, याद रखना। महाराष्ट्र ने इसमें टॉप किया था 3 गोल्ड के साथ, 69 सिल्वर के साथ एंड 79 ब्रॉन्ज के साथ, ठीक। अभी ये देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंडिया क्वालिफाई हुआ है, इंडियन फुटबॉल टीम जो है ना फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंडिया क्वालिफाई हुआ है। नेक्स्ट भाई आपने ये ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं 2023 के, मतलब मैक्सिमम यूएसए ग्रैंड प्रिक्स, इजराइल ग्रैंड इजराइल नहीं इरिस ग्रैंड प्रिक्स यही जीते थे, तो ज्यादा करके ना ग्रैंड प्रिक्स मैक्स मैक्स कॉल वर्स्टैपन नेक्स्ट भाई आपने जीते हैं, ठीक। रिसेंटली हु विन ब्रिटिश Recently, who win 2023 British Academy Book Prize? कौन जीती है?
नंदनी दास, रुचिता रावत, सुधा मूर्ति एंड रॉबिन शर्मा, ये जीते हैं नंदनी दास। ठीक, ये नंदनी दास जीती है ब्रिटिश एकेडमी बुकर प्राइज। बुकर प्राइज लॉस हो गया। तो एक बुक है पीपल 20, ये पीपल 20, इसके ऑथर कौन है आप मेरे को बताओगे? ऑथर, ठीक, इनकी बुक थी कोटिंग इंडिया, इसके लिए इनको मिला है ब्रिटिश एकेडमी बुकर प्राइज। नंदनी कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड ओरिजिन ऑफ द एम्पायर, इन्होंने जो है इसका ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज जीता है। कौन जीता है? नंदनी दास ने जीता है, ऑथर नंदनी दास। ओके, पंकज त्रिपाठी अपॉइंट हुए यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर। ठीक, माइक माइक सिंह नहीं है, माइक है, माइक अभी एआई रोबोट भी सीईओ बन रहे हैं। किसके बने हैं? सीईओ पोलिस ब्रिज कंपनी है टेक्टोर, उसकी सीईओ बनी है एआई फर्स्ट माइक, द फर्स्ट एआई सीईओ होम मेड रोबोट। देख ले, गिरीश चंद्र मुर्मू जी है जो हमारे कैग इंडिया के कई गुणों को इलेक्ट किया गया वाइस चेयरमैन ऑफ यूएन एक्सटर्नल ऑडिटर पैनल। ठीक, गिरीश जी से ज्यादा करके क्वेश्चन आ ही जाता है, इस बार सीडीएस में नहीं आया था। अगला देखते हैं, ममता बनर्जी ने बनाया है सौरभ गंगोली जी को ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल। ब्रांड स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? स्वराज आज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो है हमारे एमएस धोनी, एमएस धोनी। ठीक, महेंद्र सिंह धोनी और लेज चिप्स के तो पता ही होगा, यही है। जो वर्ल्ड कप हुआ था अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसमें जो जर्सी थी वो कौन स्पॉन्सर की थी? वो की थी एडिडास, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बिडेन ने अपॉइंट किया है इंडियन अमेरिकन शकुंतला बैंक को एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ्रेंस ऑफ यूएसए। नॉट मोर, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया मेरा युवा भारत, माई भारत, मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म टू नेशनल यूनिटी डे। नेशनल यूनिटी डे को किसके लिए मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को लिए मनाया जाता है। यूनिटी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? गुजरात में। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? गुजरात में है, याद रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट है स्टेच्यू ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है यूएसए में बन रहा है, और बी आर अम्बेडकर अम्बेडकर जी का स्टेचू बन रहा है। जल दिवाली कहाँ पे हुआ? वो वाटर फॉर वुमेन, वुमेन फॉर वाटर। अब तो ये रट जाना चाहिए, अगर करंट अफेयर इतनी बार करेंगे ना, इतनी बार करेंगे कि रट जाएगा। ठीक, एमसीक्यू के फॉर्म में करेंगे, मैगजीन में करेंगे, यहाँ पे करेंगे, जो हम 100 100 का क्वेश्चन हर करेंगे वो करेंगे, मैप बेस में करेंगे, फिर जब एग्जाम आने रहेगा रहेगा तो 200 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे पूरे मंथ का, फिर उसका स्टैटिक्स करेंगे तो उसमें करेंगे, जियोग्राफी करेंगे तो उसमें कोई आएगा तो कर लेंगे, वैसे हम लोग करते चलेंगे। ठीक, ये देख लो, लीगल लिटरेसी ऑफ लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम कौन लॉन्च किया है? 6 लाख पीपल के लिए दिशा एग्जाम हुआ। दिशा एग्जाम क्या होता है, कब लॉन्च हुआ था? 2021 से 2026 तक के लिए। ठीक, ये क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन सी मिनिस्ट्री इसके अंदर है, वो सब हम लोग किस में लिखा है? मैगजीन में लिखा है, इधर देखा है तो कहा दिशा एग्जाम गवर्नमेंट।
ये रहा इधर, ठीक। व्हाट इज दिस, दिशा एक्सेल। तो लोग ऐसे करेंगे, हेलो नारियल, कौन लॉन्च किया है? सीडीबी ने लॉन्च किया है, ठीक। किसान भाई स्कीम किसकी है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? किसान भाई मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आती है। सिंपल सी बात। और किसान भाई स्कीम किस एग्रीकल्चर मोनोपोली को हटाने के लिए या मोनोपोली के लिए आया है? नोकिया पार्टनर कर रहा है टाटा प्ले फाइबर लॉन्च इंडिया फर्स्ट वाईफाई 6 रेडी बोर्ड बैंड नेटवर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाईफाई फर्स्ट वाईफाई 6 रेडी कौन कर रहा है? नोकिया एंड टाटा मिलकर कर रहे हैं। टाटा जो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग है वो कौन करेगा? आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग है, आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा? वो टाटा करेगा। आईफोन अपना फर्स्ट स्टोर कहाँ खोला है? मुंबई में खोला है। आईफोन अपना फर्स्ट स्टोर कहाँ खोला है? मुंबई में खोला है, ठीक। और कुछ आईफोन 15 है जो उसमें डिफॉल्ट फीचर बनाया है, डिफॉल्ट ऐप बनाया है नेवी को, तो ये शो कर रहा है कि आईफोन इज सपोर्टिंग इंडिया, इंडियन टेक्नोलॉजी, ठीक। ये देखो, अलीबाग यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया खुद की सैटेलाइट गेट नोड ऑन इन स्पेस, इंडियन स्पेस। एक है सुजुदा, सुजुदा टूरिस्ट मिसाइल रॉकेट है, मैनमेड मिसाइल, मैन के लिए आदमी के लिए है, जो चाइना ने लॉन्च किया, नाम नहीं याद आ रहा है, जैसे इसका नाम है इसने अगर डाला हुआ। इंडिया ने आदित्य 11 रिकॉर्ड किया फर्स्ट एवर साइट ऑफ सोलर फ्लेम, 11 कैप्चर फर्स्ट साइट एनर्जी एक्सरे व्यू ऑफ सोलर फ्लेम विद द हाई एनर्जी 11 ऑर्बिट एक्सरे सेप्टर क्राफ्ट, ठीक। अबाउट द आदित्य 11 स्पेस क्राफ्ट। अब रिकॉर्डिंग, अब देखो लाइव, देखो रिकॉर्डिंग, देखो आप मेरे को कमेंट सेक्शन बताना कि कब देख रहे हो, ठीक, कितनी बार में देखे। एक बार में देखते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपकी आदत 2 ढाई घंटे बैठने की नहीं है, 2 ढाई घंटे अगर आपको आदत नहीं है बैठने की, तो आप एग्जाम में कैसे बैठोगे? एग्जाम में तो 3 शिफ्ट, अगर मैथ वाले हो आईएमए के लिए तो 3 शिफ्ट में होगा, अगर ओटीए के लिए हो तो 2 शिफ्ट में होगा, ठीक। अभी देखते हैं, आईबीएम एंड एडब्ल्यूएस ने लॉन्च किया इनोवेशन लैब कहाँ पे? बेंगलोर में। और सबसे अंडरग्राउंड पावर प्लांट कहाँ बन रहा है? बेंगलोर में बन रहा है। और फिफ्थ फिफ्थ था फिफ्थ एडिशन वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस ये भी बेंगलोर में हुआ था। वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? वो भी बेंगलोर में हुआ था। वर्ल्ड स्मार्ट चैंपियन कौन सी स्टेट लॉन्च की? वर्ल्ड स्मार्ट किड्स चैंपियन कौन सी स्टेट ने लॉन्च की? वो लॉन्च किया मेघालय में, ठीक। थ्री डी वर्ल्ड वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल कहाँ पे बना है? टेम्पल ये अपना है तेलंगाना में, कहाँ पे? तेलंगाना में। 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? गोवा में हुआ। 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? गोवा में हुआ। आगे देखते हैं, सैमसंग ने अपने अनवील किया खुद का AI मॉडल सैमसंग गेस। कुछ इतना ही इसमें और कुछ है? होमेजिकल हमने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, 14 साल बाद बंद हो गया है रोज। अभी इसके सब्सटीट्यूट में कुछ और आएगा, हमने तो कभी यूज ही नहीं किया। अर्थ ने रिसीव किया फर्स्ट लेजर फ्रॉम 16 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ स्पेस से, और ये इसका एक्सपीरियंस जो बना है पॉसिबल है बाय द डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के थ्रू है, किया है नासा साइक। एक नासा का मिशन था साइक मिशन, एक नासा का मिशन था साइक मिशन, वो किस लिए गया था?
जो हमारे जो जो स्पेस में एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड बोलो फिर, एस्ट्रॉइड याद नहीं, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, वन वे इंडिया बिकम फर्स्ट इन स्पेस अप्रूव द फर्स्ट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड प्राइवेट के लिए अपना सैटेलाइट वन वे बना है, कोई भी अपना सैटेलाइट लॉन्च करता है, इंडिया स्पेस रेगुलेटर इंडिया स्पेस लॉन्च वन वे कॉमर्शियल सैटेलाइट प्राइवेट, ठीक, कंट्री फर्स्ट। म्यूजिशियन म्यूजिक लॉजिक लीला उमर के रिसेंटली पास हुए इन एज ऑफ 94, इन द एज ऑफ 94। सम ऑफ द मेजर इंक्लूड इन इमोर्टल म्यूजिक इंडियन म्यूजिक क्लिंचिंग इन इंडिया म्यूजिक, इनकी पांच वॉल्यूम थी ये देख लेना। इनको पद्मश्री भी मिला है, पद्मश्री भी मिला है 2005 में। इंडियन पोएट पटेल साहब जिनका डेथ हो गया 83 एज में, इनकी बुक थी देवी पटेल हैज बिकॉज द फेमस पोएट पेंटर पेंटर भी थे एंड थिंकर, काम करते थे एक ही बार में, एक ही काम करते हैं बस, अपना पीडीएस देंगे एपकेट देंगे बस। इस बार आईबी कौन कौन दे रहा है आईबी, उसके लिए भी एमसी करंट अफेयर, उसकी करंट अफेयर की जिम्मेदारी मेरी पब्लिकली, आईबी की करंट अफेयर की जिम्मेदारी मेरी की जिम्मेदारी मेरी। अगर इस वीडियो पे 1K व्यू गया तो, अगर इस वीडियो पे 1K व्यू गया तो आईबी करंट अफेयर की जिम्मेदारी मेरी, ठीक, पूरा जनवरी टू जनवरी करेंगे और फरवरी का भी कुछ पार्ट करेंगे अगर 20 के बाद है पेपर तो। वैसे तो 15 दिन पहले कोई भी पेपर बन जाता है और इतने शिफ्ट के हिसाब से होता है, तीन तीन शिफ्ट होती है। नासा अपोलो एस्ट्रोनॉट थॉमस केनिन मैथिको 2 पास अवे 87, सीधे नाम दे देगा और कौन थे एस्ट्रोनॉट थे इतना ही बताना है। फ्रीडम फाइटर एंड कम्युनिस्ट लीडर एन शंकर राय पास अवे एट द एज ऑफ 102। आप मेरे को नाम बताओ, गीता प्रेस के जो है जिसको 2021 गांधी पीस प्राइज मिला, जो गांधी पीस प्राइज 2020 मिला गीता प्रेस को, उसके ट्रस्टी अभी रिसेंट में उनको डेथ हुआ, अक्टूबर का न्यूज है ये, अक्टूबर के न्यूज में हम लोग पढ़े थे, ठीक। तो उनका नाम क्या था आप मेरे को कमेंट सेक्शन बताओ। फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर एस वेंकटरमन पास अवे 1990। आरबीआई को भाई किसको मिला, चेंज मेकर अवार्ड किसको मिला, ये आरबीआई को मिला, आरबीआई ए प्लस गवर्नर किसको मिला, आरबीआई गवर्नर का ए प्लस अवार्ड है, रैंक किसको मिला, गवर्नर शक्तिकांता दास, कांता दास आपको, ठीक। देखते हैं इंडिया फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज फातिमा बीवी पास अवे एट द एज ऑफ 96। ये याद रखना, ये जज थी सीजीआई नहीं, ठीक, जज ना कि सीजीआई। अभी अपने प्रेजेंट सीजीआई कौन है, एनडीए वालों आता है, प्रेजेंट सीजीआई क्या है, चंद्रचूड़, ठीक, डीवाई चंद्र, क्या कौन है, गिरीश मुर्मू, गिरीश मुर्मू। बंगाल के आपको अभी पढ़ जा रहे हैं, बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सौरभ गंगोली। यूपीआई सेफ्टी ब्रांड एम्बेसडर कौन बना, पंकज त्रिपाठी। शीतल महाजन बनी है बिकम द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड स्काई ड्राइविंग की है माउंट एवरेस्ट, जिसको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था 2001 में, ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एआई समिट कहाँ पे हुआ था, इसे हम बेचले डिक्लेरेशन भी बोला गया, डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन
ये हुआ था यूके ने होस्ट किया था, बेचले पार्क में हुआ था। यहाँ पे हम लोग क्या सीख किया, सिक्योरिटी के लिए अगर एआई से आप लोग इतना देख रहे हो, सेफ्टी सबमिट था ये, कि एआई से नुकसान बहुत है, नुकसान बहुत है, तो क्या क्या नुकसान है, उसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो पहचान रहे हो? हेलो डी, ठीक, भाई जो इटली अपना सबसे अच्छा दोस्त हो गया। इंडियन ओपेक एनर्जी डायलॉग हाई लेवल ऑफ मीटिंग कहाँ पे हुआ, वेना ऑस्ट्रिया में। ओपेक क्या है, जो भी क्रूड ऑयल है ना, पेट्रोल ऑयल, ठीक, उससे बात करने के लिए ओपेक कंट्री अपने करती है। 42nd इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहाँ पे हुआ, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में हुआ। ये सब भूमि याद आना चाहिए आपको, न्यू दिल्ली से। पॉल्यूशन याद आना चाहिए, और क्या बोल, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन तो याद आएगा, वो ठंडी के टाइम पे पॉल्यूशन ज्यादा होता है। इस्लामिक एयरबिक समिट कहाँ पे हुआ था, रियाद सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया से सीधे एक को एक एक्सरसाइज याद तो याद आनी चाहिए, अलमोहे दल हिंदी। एक एक्सरसाइज याद आनी चाहिए, अलमोहे दल हिंदी। आईआईटी है पे दिल्ली याद आना चाहिए, वही से ये पे, फिर आईआईटी का नाम याद आ रहा था, आईआईटी मद्रास याद आना चाहिए। आईआईटी मद्रास अगर याद आ रहा था, आईआईटी मद्रास ने एक खुद का सॉफ्टवेयर बनाया है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे फरो ओएस, थ्रू ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, भारत ओएस, ठीक, एंड्रॉइड के लिए। मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म टीओआई पार्टिसिपेट किया WTM 2023 लंदन में, 6 तारीख 8 तारीख में जो हुआ था, ठीक। बेस्ट विलेज ऑफ द ईयर कौन बना है, बेस्ट विलेज ऑफ टूरिज्म के लिए कौन बना है, बेस्ट विलेज ऑफ टूरिज्म, ये बना है विश्वनाथ घाट, असम में। असम के पास अरुणाचल प्रदेश है, ठीक। अरुणाचल प्रदेश से आपको क्या याद आ रहा है, तेजू एयरपोर्ट याद आ रहा है, तेजू एयरपोर्ट याद आ रहा है आपको, अरुणाचल प्रदेश में है। वही पे मेघालय, मेघालय से उसकी में याद आ रही है, ठीक। कौन सी पॉल्यूशन स्मार्ट चैंपियन कौन लॉन्च किया, मेघालय लॉन्च किया, ठीक। क्या कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब, लाइक सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। 33 कॉन्फ्रेंस ऑफ द WOAH रीजनल कमीशन ऑफ एशिया एंड पैसिफिक इन न्यू दिल्ली, कौन होस्ट किया है, इंडिया होस्ट किया है। 33 कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के लिए कौन सी कंट्री होस्ट की है, सीधे पूछ लेगा। इंडिया होस्ट की है, कहाँ पे होस्ट की थी, न्यू दिल्ली में होस्ट की थी, ठीक, ये सीधे क्वेश्चन आ जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंफर्म किया है, इंडिया अचीव द डिक्रीजिंग टीबी इंसिडेंट। टीबी किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना रहता है, पेप्टी, इसका नाम ही मुझे भूल जाता हूँ, याद रहता है ऑप्शन में, पेप्टी डी वॉल करके नाम है। फंगी याद आना चाहिए आपको, फंगी जिसका बना रहता है चीटिन से, सेल वॉल किससे बना रहता है, चीटिन से। वही पे प्लांट आना चाहिए, प्लांट का सेल वॉल का किससे बना रहता है, सेलुलर से बना रहता है। और एक फैक्ट बताऊं, जो सेलुलस रहता है ना, सेलुलस, इसको पचाने के लिए ना स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, अपना स्मॉल इंटेस्टाइन, देख लेना, ये बड़ा होना चाहिए, ठीक। अगर वहीं पे अगर हम मीट हम लोग खा रहे हैं मीट, अगर इसको ये छोटा रहेगा ना थोड़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन अपना लेंथ में, लेंथ की बात कर रहा हूँ, तो भी पच जाएगा, लेकिन सेलुलस को पचाने के लिए ना स्मॉल इंटेस्टाइन ना वो होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, इफेक्ट है। क्रोमोजोम ये क्रोमोजोम, क्रोमोजोम याद आना चाहिए, जो प्रोटीन से बाइंडेड होता है, वो बाल ऐसे ऐसे रहता है ना, बिखरा हुआ, इसे क्रोमोटाइन बोलते हैं, और इसी को ऐसे कर देंगे, ठीक, आराम से अच्छे से सजा लेंगे और रबड़ लगा देंगे, इसे प्रोटीन से बांध देंगे तो डीएनए हो जाता है, ठीक।
अच्छा, किसके पास अपना राइबोसोम और डीएनए होता है? होता है माइकोकॉन्ड्रिया। माइकोकॉन्ड्रिया के पास खुद का राइबोसोम एंड डीएनए होता है, इसलिए माइकोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस भी बोलते हैं। वहीं पे प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड उसे भी हम लोग पावर हाउस बोलते हैं। और प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। प्लास्टिड किस में पाया जाता है? ऐसा पढ़ेंगे हम बायो का, जब भी पढ़ेंगे ना उसमें सब पढ़ेंगे, ठीक। और माइकोकॉन्ड्रिया एनिमल में पाया जाता है। वैक्यूल्स याद आ रहे हैं? वैक्यूल्स भूल जाओ, ठीक ना। वैक्यूल्स प्लांट में बड़ा होता है, एनिमल में छोटा होता है। आयो आ जाता है। सेल से और मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, सेल हो गया। एक दो क्वेश्चन बीमारी से भी आ जाएगा, रिप्रोडक्शन से आएगा, कि वायरस से कैसे कॉम्यूनल डिजीज क्या होता है, नॉन कॉम्यूनल डिजीज क्या होता है, ठीक। लाइफ प्रोसेस, ये अगर हमारा न्यूरॉन्स क्या होता है, नर्व सिस्टम क्या होता है, सब पढ़ेंगे बायो में। तो वेट करो, केमिस्ट्री भी करेंगे। अगर हमारा मेटल इस चीज के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनाएगा, पानी बनाएगा, ठीक। चलो अभी आगे चलते हैं, बहुत हो गया। देखो, जो केटा इंट्रोड्यूस सस्फोम एमएसएमई इकोनॉमी एक्टिविटी इंडेक्स इन कोलोब्रेशन विथ जोकेटा, TDB, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये देख लेना है, तो शायद 9th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन फरीदाबाद जनवरी 2024। वो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यूपी, फरीदाबाद कहाँ पे? यूपी में, ठीक। यूपी ना 24 नवंबर, 24 से 25 नवंबर को रिसेंटली हमारे योगी साहब ने बोला है कि नो नॉन वेज वेज डे हम सेलिब्रेट करेंगे। यहीं पे डॉल्फिन याद आनी चाहिए, डॉल्फिन जो स्टेट की फीस बनी है, डॉल्फिन फिन एंड डॉल्फिन लंग से सांस नहीं लेते, फेमस है, ठीक। यहीं पे एक पीस ऑफ स्टेट ऑफ गुजरात, पीस ऑफ गुजरात स्टेट, गुजरात ऑफ गुजरात, गुजरात कौन बनी है, पीस नाम है उस चीज का। चलो हिंट दे दिया, अब मेरे को बताना। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट 2023 कौन होस्ट कर रहा है? हैदराबाद। सेकेंड सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट कहाँ पे हुआ था? ये होस्ट करेगा इंडिया, हुआ नहीं, करेगा नंबर से। हाँ, रोड मैप। इसका थीम क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट रोड मैप टू प्रोस्पेरिटी। थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक। सबमिट हो गया है, वॉइस हो गया। अभी भी जो फर्स्ट सबमिट एआई सेफ्टी सबमिट कहाँ पे हुआ था? एआई सेफ्टी सबमिट कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था यूके में, इसे बैचलर डिक्लेरेशन बोला के भी गया, ठीक। ऐसे पढ़ना है, एक ही चीज को 4 बार पढ़ेंगे ना तो याद तो होना ही। यूएसआई होस्ट कर रहा है इवेंट फॉरम 2023। यूएसआई क्या है? यूएसआई क्या है भाई? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। पीस कीपिंग के लिए कर रहे हैं। हमारे नितिन गडकरी साहब ने इनोग्रेट किया है 8th इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट इन न्यू दिल्ली में। इनकी एक मूवी भी आई है गायकाड़ी करके, याद रखना, पूछ सकता है। कर्नल सुनीता बीएस अपॉइंट हुई है फर्स्ट फीमेल कमांडिंग ऑफिसर एट आर्म फोर्सेस टूरिज्म सेंटर दिल्ली कंटोनमेंट की, शायद दिल्ली कंटोनमेंट की ही शायद। कर्नल सुनीता बीएस अपॉइंट हुई है फर्स्ट फीमेल कमांडिंग ऑफिसर। आप मेरे को बताओ कि फर्स्ट फीमेल जो हेड ऑफ द रेलवे बनी है, हेड ऑफ रेलवे, उनका क्या नाम था? और जो एयरफोर्स डे में परेड सेरेमनी में कौन, याद नहीं आ रहा यार,
देखते हैं आगे, याद नहीं आ रहा है। ओडिशा ने लॉन्च किया है AMA बैंक ऑफ ग्राम पंचायत बैंकिंग, ठीक। ये स्कीम है कौन सी कंट्री का? ओडिशा। नेचुरल आर्क कहाँ पे मिला? ओडिशा मिला। चिल्का लेक कहाँ है? ओडिशा में ही है। चिल्का लेक कहाँ है? ओडिशा में है। नेचुरल आर्क कहाँ पे? ओडिशा में ही है, ठीक। ओडिशा कोस्टल है, कोस्टल स्टेट है। विच स्टेट हॉट अल्टीमेट खो खो सीजन 2? अब भी ऊपर ही पड़ गया है। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आयुष बोर्ड याद आना चाहिए, आयुष बोर्ड। केरला, अभी ऊपर, हाल मेकिंग, ई गवर्नेंस। और तेलंगाना, वहीं पे याद आना चाहिए, 3D प्रिंटेड टेम्पल। बेंगलुरु, अंडरग्राउंड पावर प्लांट। इरिश ऑथर पाउल लाइंस को मिला है बुकर प्राइज। पाउल लाइंस, पाउल लाइंस इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो 2022 में जिनको मिला था ना, सॉरी 2022 में वो सीडीएस 2023 में आया था। आइम शेल्टर को नाम था बुक का, इनके बुक का क्या नाम, किस चीज के लिए मिला है? प्रॉफिट सॉन्ग के लिए, इसलिए मिला है प्रॉफिट सॉन्ग करके। इनका फिफ्थ नोबेल बुक है, इरिश ऑथर है, ये देखो, ठीक। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ स्टेशन विद द हेल्प ऑफ स्टेशन, बढ़िया क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ स्टेशन विद द हेल्प ऑफ स्टेशन। पहला रिसेंटली अवार्डेड ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट, इसी से मेरे को तैयार होगा। फिर रिसेंटली हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस प्लेटिनम रेटिंग बाय द IGBC इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ये हमारा है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, और है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, विजयवाड़ा में ही। हाँ विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा गया। विच स्टेट डिक्लेयर नो नॉनवेज डे ऑन 5th 25 नवंबर? उत्तर प्रदेश, सूरत, यही पानी दी। INS सूरत याद आपको, INS इम्फाल, INS इम्फाल, उत्तराखंड, UCC, ठीक। एंगोकर 8 बिकम द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इटली में। अब मेरे को बताना बाकी के 7 जो वंडर्स हैं, वंडर वो कहाँ पे हैं, क्या क्या नाम है। एक तो मैं बता दे रहा हूँ, ताजमहल, ताज महल जो इंडिया में है। बाकी के 6 आपको बताना है, ठीक। जो बचा है वो आपको बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। टाटा टू बिकम द इंडिया फर्स्ट आईफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आईफोन कौन, इंडिया की कौन सी कंपनी आईफोन बनाएगी? टाटा बनाएगी। iPhone 15 याद आ रहा है मुझे, यहाँ पे नेविक याद आ रहा है, यहाँ पे आईफोन अपना पहला स्टोर कहाँ पे खोला? मुंबई में खोला। 141 IOC का जो मीटिंग का हुआ, कहाँ पे हुआ? मुंबई में ही हुआ। एंड इंडिया इसमें डिसाइड हुआ कि इंडिया 2036 का ओलंपिक होस्ट कर रहा है। टी इसमें पड़ा T20 ओलंपिक 2028 जो लाओस में होगा, लाओस में होगा, वहां पे T20 खेली जाएगी, ठीक। SBI रॉक इन क्रिकेट आइकॉन MS धोनी ब्रांड एम्बेसडर। SBI का फाउंडेशन कब हुआ था? हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। चेयरमैन कौन है? डायरेक्ट इनको कांटेक्ट कर सकते हो अगर SBI में लंबी लंबी लाइन लग रही है तो, ठीक। ह्युमैरा मस्कुन मेक हिस्ट्री एज अ फर्स्ट फीमेल एक्टर कार, सॉरी फर्स्ट फीमेल इंडियन कार रेसर इन ब्रिटिश इंडोरेंस चैंपियन। शी इज कमिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लद्दाख, सियाचिन में मोबाइल नेटवर्क बनाया है कहाँ पे? लद्दाख ने। कौन सी कंपनी का बनाया है? BSNL का, BSNL। ये सब अक्टूबर का न्यूज बता रहा हूँ। वर्ल्ड फॉर जेंडर बैलेंस फ्रेमवर्क कहाँ पे हुआ? 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दुबई में हुआ। पोलियो डे कब मनाया जाता है? 24th अक्टूबर को मनाया जाता है। पोलियो डे कब मनाया जाता है? 24th अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम क्या? हेल्थ और हिल इथर फ्यूचर फॉर मदर एंड सिस्टर।
चिल्ड्रेन, बस खत्म होने वाला है 5 मिनट और। वर्ल्ड सुनामी डे सेलिब्रेट एवरी ईयर 5 नवंबर, फाइटिंग इन इक्वालिटी एंड रेसिडेंस। नेशनल कैंसर डे कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को मनाया जाता है। क्लोज द केयर गैप। वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? 8 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया? 13 को मनाया जाता है। बी काइंड वेयरलेस पॉसिबल। वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस 20 दिन मनाया जाता है। ठीक, एक्सेस टू डिबेट किया। नेक्स्ट देखते हैं, फिलोसफी डे कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को, शायद नहीं आया। देख लेते हैं, बस खत्म। तो ये आपके लिए है, पढ़ना इसको, अच्छा लगेगा। ठीक, और थैंक यू, सबसे अच्छी, थैंक यू सो मच। अगर इसको गूगल फॉर्म टेस्ट देना होगा रिवीजन के लिए, इसमें रहेगा करंट, इसमें सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें करंट अफेयर रहेगा, जीएस का पूरा पार्ट रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड हिस्ट्री भी रहेगा, जियोग्राफी भी रहेगा, बाद में इंग्लिश भी देखेंगे तो कर लेंगे, इतने में ही 299 में। ठीक, कब तक है? टिल द एग्जाम है, कब तक है? टिल द एग्जाम। इसमें आईबी भी करेंगे, हम आईबी का भी कर लेंगे कुछ, तो बहुत कॉस्टली नहीं है। ठीक, एंड इंस्टाग्राम पे वो तो फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच अगेन। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, यहीं पे पीडीएफ भेजूंगा क्लास का। कोई क्यूरी हो तो कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर, और ये मैगजीन डाउनलोड कर लेना। ठीक, मैगजीन अक्टूबर का भी मैगजीन इधर ही मिल जाएगा। अगर ये नहीं देखे होगे, अक्टूबर का करंट अफेयर, सितंबर करंट अफेयर, तो YouTube पे जाना, सीधे वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक, दिखाता हूँ आपको। कॉपीराइट तो नहीं आएगा। ये रहा अक्टूबर, सितंबर का, ये रहा अक्टूबर का, और ये दोनों का हमने एमसीक्यू फॉर्म में मिलिट्री डिफेंस एक्सरसाइज किया है। ठीक, एंड ये देख लेना एशियन गेम का वीडियो पूरा। ठीक, वीडियो में वीडियो दिखा रहा है। ठीक, तो चलते हैं, अब बाय। आई होप पढ़ाई अच्छे से करो।